नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। विधानसभा चुनाव पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव का सूरत हाल बता दें, जहां पर एक बार कांटे की टक्कर दिख रही है। 90 सीटों की इस विधानसभा चुनाव में फिलहाल 41 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वहीं 35 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 7 सीटों पर जेजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 7 पर अन्य के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फिलहाल मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह साफ कह दिया है कि सरकार कांग्रेस की ही हरियाणा में बनने जा रही है, यानी कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन तय है। सर, क्या जेजेपी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी या आप अपने दम पे बना लेंगे? क्या माना जाए कि हुड्डा साहब का जादू एक बार फिर से चल पड़ा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे लगातार? कांग्रेस का बहुमत आएगा, कांग्रेस का बहुमत आएगा। हरियाणा चुनाव के लगातार जो सूरत हाल है वो पल पल में बदल रहे हैं। सुबह जब बैलेट बॉक्स काउंटिंग चल रही थी तो उस काउंटिंग के आधार पर ये क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही थी, लेकिन अब जब ईवीएम खुले हैं तो मुकाबला जो है वो कांटे का है। बीजेपी हालांकि एज बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं से चुनाव में काफी कम बैक कर लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकदम से कह रहे हैं, जो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आप लिखवा कर ले लीजिए कि सरकार कांग्रेस के विरुद्ध। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता ट्विटर पर लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। उनके कई नेता फिलहाल आगे भी चल रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता आगे चल रहे हैं उनमें से आपको बता दूं कि रणदीप सुरजेवाला कैथल सीट से आगे चल रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट से आगे चल रहे हैं, किरण चौधरी तोसाम सीट से आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के 35 उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं, जो एक अच्छा नंबर है, और कहीं ना कहीं बहुमत से बीजेपी दूर जाती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। आपको एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आज सुबह का जो रुझान आया उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है वो एक बार फिर से सुना देते हैं। सर, क्या जेजेपी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी या आप अपने दम पे बना लेंगे? क्या माना जाए कि हुड्डा साहब का जादू एक बार फिर से चल पड़ा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे लगातार? कांग्रेस का बहुमत आएगा, कांग्रेस का बहुमत आएगा। हरियाणा चुनाव पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, हर एक सीट का आपको हाल बताएंगे, हर 90 सीट में से कौन कहां से जीता ये सब आपको बताएंगे। साथ ही हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इस पर भी हमारे साथ आप बने रहिए, हर एक पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।